नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं हूं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाड़िक। आज का वीडियो का विषय है हनी यानी शहद। शहद के बेनिफिट्स। शहद को आयुर्वेदा में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। शहद बहुत ही सारे रोगों को ख़त्म कर देता है, उससे कम हो जाते बहुत सारे रोग। बशर्त है कि हनी शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध हनी के ही गुणधर्म होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि शहद खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं, कौन कौन से उपयोग है, हनी में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, लास्ट में कैसा खाना चाहिए, खाने की पद्धति क्या है, और उसके बाद जो मात्रा है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि हनी में क्या क्या पाया जाता है, उसके कंटेंट क्या क्या है। हनी में 75% शुगर होती है। शुगर कौन कौन सी, तीन प्रकार की शुगर होती है। फ्रुक्टोज, सुक्रोज आणि ग्लुकोज, ये तीन प्रकार के मिलके 75% हो जाते हैं। बाकी का क्या होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, लोह, तांबा, ये ट्रेस एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद पराक्कन भी पाए जाते हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन, अमाइनो एसिड, केशर, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये सब भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हनी किन किन रोगों में उपयोगी है। पहला उपयोग क्या है कि जिनकी शरीर की कफ प्रकृति है उनको सबसे ज़्यादा उपयोगी है, यानी कि अस्थमा, दमा, सर्दी, खांसी, एलर्जिक राइनाइटिस, इन सब पेशेंट में हनी अमृत समान होता है। इसके लिए अस्थमा के रोकथाम के लिए आपको क्या करना है कि हनी लीजिए, एक चम्मच हनी लीजिए, उसमें 4 से 5 बूंद जो है नींबू निचोड़ दीजिए, उसमें आधा चम्मच नारियल तेल मिलाइए, उसका घोल बना दीजिए, और वो हर रोज़ आपको सुबह को खाना है। अगर ऐसा आप हर रोज़ सुबह को खाली पेट अगर करेंगे तो आपको अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, सर्दी खांसी, ये जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, बहुत ज़्यादा दिनों से थकावट सी महसूस हो रहे हो, आपको कुछ काम करने का मूड नहीं हो रहा हो, तो हनी आपके लिए है। हनी में क्या होता है कि शुगर होती है, 75% तक शुगर होती है। शुगर से क्या होता है, एनर्जी पैदा होती है, साथ ही साथ मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल तो है ही। इसी वजह से क्या होता है, अगर आप थकावट महसूस कर रहे हो तो आप एक चम्मच हनी रोज़ सुबह को खाइए, आपकी थकावट कुछ ही दिनों में कम हो जाएगी। अगर आप मोटे हो और आपको पतला होना है तो आपको क्या करना है, एक गिलास गर्म पानी लेना है। एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच शहद मिलाइए, उसे अच्छी तरह से घोल कर पी लीजिए। ऐसा आपको रोज़ सुबह खाली पेट करना है। अगर आप कंटिन्यू छः माह तक इस रेमेडी का उपयोग करेंगे तो आपका वज़न 6 किलो से 8 किलो तक डेफिनेटली कम हो जाएगा। हनी शहद स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बाहर जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, त्यौहार में जा रहे हो, तो आपको चेहरे का ख्याल रखते हैं, आप बहुत ही ख्याल रखते हैं चेहरे का, लेकिन क्या करते हैं कि धोते समय फेस वॉश, आर्टिफिशियल फेस वॉश और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा न करें, इसके बजाय क्या करें कि 4 बूंद हनी के ले लीजिए, उसमें 4 से 5 बूंद पानी का मिलाइए और पूरे चेहरे पर उसको मलिए। 2 मिनट तक भी आप मल सकते हैं पूरे चेहरे पर। उसके बाद गुनगुने पानी से उसे धो डालिए, उससे क्या होगा, स्किन जो है वो फ्रेश हो जाएगी, वो शाइन करने लगेगी, आपको फर्क महसूस हो जाएगा। उसके बाद है एक्ने यानी कि कील मुहासे। अगर आप कील मुहासों से परेशान हो तो क्या करने का है कि हनी लीजिए, उसको जिधर जिधर कील मुहासे उधर उधर ऐसा ऐसा मालिश कीजिए, और प्योर जो हनी होता है उससे मालिश कीजिए, और हनी को उस उधर आधे घंटे तक रखिए। आधे घंटे के बाद उसे गुनगुने पानी से धो डालिए। ऐसा आप कंटिन्यू 1-1.5 माह तक करेंगे तो 1-1.5 माह में आपकी पूरी स्किन क्लियर हो जाएगी और पूरा कील मुहासे जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ऐसा कैसे, शहद का पीएच जो होता है वो कम होता है, पीएच कम एसिडिक होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट में कोई भी बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं कर पाता। इससे इसका जो फ़ायदा होता है वो अस्थमा
राइनाइटिस वाले पेशेंट को होता है। साथ ही साथ कौन सी भी जख्म हो उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है। कौन सी भी जख्म हो, कितनी भी डीप हो, कितनी भी पुरानी हो, तो क्या होता है कि अगर आप प्योर शहद जो है प्योर शहद उस पर जख्म पर लगाएंगे, हर रोज़ सुबह दोपहर को और शाम को लगाएंगे, तो आपकी जख्म जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। हनी जो है शहद डायरिया में महत्वपूर्ण है। डायरिया यानी लूज मोशन यानी दस्त लगना, टॉयलेट को पतला होना। वो कैसा होता है कि गट में जो होते हैं यानी पेट में दो प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरियों की संख्या बढ़नी चाहिए और बैड बैक्टीरियों की संख्या घटनी चाहिए। हनी जो है वो एग्जैक्टली सेम काम करता है। पेट में जो होता है गुड बैक्टीरिया उनकी संख्या बढ़ाता है, उसी वजह से जो लूज मोशन है वो कम हो जाते हैं। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि लूज मोशन के पेशेंट में अगर दूसरे औषधि के साथ साथ अगर शहद दिया जाए सुबह दोपहर को और शाम को, तो इफ़ेक्ट जो है जल्दी आता है। अगर गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी तो पेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर पेट की भी जो बीमारियाँ होती है वो कम हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।